अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दारुल वही इंस्टीट्यूट करसब से। हम क्वेश्चन करेंगे कि जिन्नात को ख्वाब के अंदर मुख्तलिफ शक्लों के अंदर देखना, इसकी क्या तबीर हो सकती है? जी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। जी बस भाई, जिन्नात को ख्वाब में मुख्तलिफ शक्लों के अंदर देखना, डरावनी शक्लें या और कोई भी, जिन्नात को किसी शक्ल में भी देखना सही नहीं होता। इसके लिए सबसे पहली ये चीज़ है कि बंदे को सूरत सजदा, सूरत मुल्क पढ़ के सोना चाहिए। जी, अगर इंसान को बहुत अच्छी शक्ल व सूरत के अंदर जिन्नात आते हैं तो अल्लाह की तरफ से कोई उसकी मदद होगी, और बुरी शक्ल में अगर कोई नज़र आते हैं तो नुकसान की तरफ इशारा है। तो जिन्नात या ऐसी चीज़ें नज़र आना वहम भी होता है, पता नहीं जिन्न था मैंने ख्वाब में देखा, और जिन्नात ओरिजिनल भी हो सकते हैं, ख्वाब में आ जाए अल्लाह की तरफ से कोई इसको, तो उसकी उसका यही है कि वो प्रॉपर नज़र बात चेक कराए, जादू चेक कराए, या बीमारी का टेस्ट चेकअप करवाए, रूहानी चेकअप करवाए कि उसको कोई जादू का मसला तो नहीं है जिसकी वजह से वो ख्वाब आ रहे हैं। क्योंकि जो जादू का पेशेंट होता है उसको ख्वाब में जिन्नात नज़र भी आ सकते हैं, या हल्के हल्के साए नज़र आते हैं इसको, या ड्रोनी शक्लें नज़र आती हैं। वो शैतान जो है वो मुख्तलिफ शक्लें ताकि बंदा परेशान हो, जैसे ख्वाब के अंदर हदीस में आता है कि गर्दन कटी हो या कट रहा है या खून है, ये सारे शैतानी ख्वाब होते हैं कि शैतान बंदे को ना असल के अंदर परेशान करना चाहता है बस। तो बंदा समझता है पता नहीं मुझे जादू का मसला हो गया या ये हो गया वो हो गया, उसका वहम मज़ीद बढ़ता जाता है। तो इसलिए हम लोग ना वैसे भाई तर्जुमा नहीं पढ़ते कुरान का ना, बहुत हमारे अंदर कमज़ोरी है। कम से कम पाइया हर रोज़ ऊपर देख के तवज्जो के साथ तर्जुमा पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला ये शक्लें शुक्लें नज़र आना वैसे ख़त्म हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي